अनलॉकडाउन वन के तहत इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र यानी जोन वन को छोड़ सिटी और आउटर एरिया में लगभग सभी तरह की दुकानें और दफ्तर खुल गए हैं। निगम सीमा में आने वाले 29 गांव में 3 तरह की छूट दी गई है। सीएसपी सौम्या जैन ने एमपी न्यूज से खास चर्चा में पुलिस प्रशासन का एक्शन प्लान साझा किया। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में अनलॉक वन की शुरुआत आज से हो चुकी है और इंदौर में भी यह शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो इंदौर में नगर निगम सीमा में 29 गांव आते हैं, वहाँ पे आज यहाँ पे पूरा मार्केट खुल चुका है। हम बात करेंगे इंदौर का जो फेज 3 है, जो इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में भी आता है। यहाँ पे मैम हमारे साथ में सीएसपी मैडम यहाँ पे आए हैं, इन्होंने पूरी व्यवस्थाएं देखी है। मैम, किस प्रकार की व्यवस्था जो ये जो थ्री फेस जो थर्ड फेस में रखा हुआ है और अनलॉक वन की शुरुआत है, तो किस प्रकार से अब यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी? ये अनलॉक वन अभी आज 1 तारीख से शुरू किया गया है। इसमें बेसिकली पूरे इंदौर ज़िले को ग्रेजुअली ओपन करने का जो प्रावधान अभी कलेक्टर साहब ने आदेश कल निकाला है, उसके आधार पे जो 29 राजस्व ग्राम हैं उसमें 3 तरह की छूट दी गई है। अति आवश्यक सामग्री के लिए 8 से 5 का दिया हुआ है, उसमें डिफाइन किया है आदेश में। उसके बाद कुछ दुकानों को 10 से 4 और कुछ को 11 से 4 खोलने का बोला गया है। इसमें पुलिस की मुख्य भूमिका ये है कि सबसे पहले तो हम प्रशासन के साथ मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का अनुरोध करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह गोले बना दिए गए हैं और जो व्यापारी वर्ग है वो खुद, उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो खुद भी एक तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन के रूप में बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए ही दुकानदार में जो आते हैं सामान खरीदने के लिए कस्टमर्स, उसका पालन करें। साथ ही साथ कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। स्पेशली जो मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए लोग निकलते हैं, तो एक संभावना है चेन स्नैचिंग या मोबाइल चोरी, इससे कि कोई घटना ना घटित हो, तो इसके लिए पेट्रोलिंग हम बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों में भी अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं ताकि अवेयरनेस है, इस चीज़ से सतर्क रहें। और दूसरी चीज़ जो नॉर्मल पुलिसिंग की है, वापस से उस पर हम अपनी कोर पुलिसिंग पे फोकस करते हुए जो गुंडे बदमाश हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, उन सभी पे भी हम प्रॉपर एक्शन लेंगे आवश्यकता अनुसार। और कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से अनलॉक डाउन का जो फर्स्ट फेज है वो क्रियान्वित हो पाए। जो बात करें उल्लंघन की, तो कहीं ना कहीं अभी जब मार्केट खुलेगा तो इन सब चीज़ों का उल्लंघन भी होगा। टाइमिंग जो सेट किया है, अगर उससे ऊपर टाइमिंग होता है तो उसमें किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की? बिल्कुल, ये जो टाइमिंग सेट किया गया है उसमें कर्फ्यू का टाइम जो बताया गया है वो 9:00 से सुबह 5:00 तक का स्ट्रिक्ट कर्फ्यू को फॉलो करने का बोला गया है। उसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं लगाए हैं, सैनिटाइजर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का जो उल्लंघन होता है तो तुरंत स्पॉट फाइन का आदेश भी निकाला गया है डीएम साहब के अनुसार, तो हम स्पॉट फाइन करेंगे। यदि ऐसा लगता है कि कोई अप्रिय घटना हो रही है, शांति भंग होने की संभावना है, तो पुलिस की जो कार्रवाई होती है 107-16 की या 151 की, वो की जाएगी। रात्रि में किस प्रकार से रहेगा मैम, क्योंकि अब क्या होगा जब धीरे धीरे जब बाज़ार खुलेगा तो ये जो घटनाएँ हैं वो कभी थोड़ा मतलब बढ़ेगी घटनाएँ, क्योंकि अभी तक सब लोग घर में थे, अब धीरे धीरे घटनाएँ बढ़ेगी, तो जो रात्रि का समय होता है वो काफ़ी अहम रहता है, इस समय का रहता है, तो किस प्रकार से रात्रि में अपनी तरफ आपकी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से गश्त की व्यवस्था रहेगी? रात्रि में गश्त के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं एकदम पुख्ता इंतजाम बनाएं। एक तो यह है नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, गश्त में जो हमारी मोबाइल पार्टी रहेगी, Dial 100 की यूनिट रहेगी, उनको भी हम अलर्ट रखते हुए मूवमेंट रखेंगे। एक गश्त अधिकारी जो अभी तक नियुक्त किया जा रहा है उसी को ही प्रभारी बनाते हुए थाने क्षेत्र में रखेंगे, जो ASI रैंक के होंगे। और जो सेंट्रल गश्त होती है हमारे इंदौर ज़िले की कंट्रोल रूम से, उसमें भी हर एरिया के लिए एक गजेटेड ऑफिसर दिया हुआ है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाएगी, तुरंत पॉइंट आएगा तो करेंगे रिस्पॉन्ड। और बीट वालों के द्वारा Dial 100 और जो मोबाइल पार्टी है, PCR वैन भी चल रही है इस क्षेत्र में, तो उसके द्वारा गश्त पे हम कोशिश करेंगे पूरा नियंत्रण रखें, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। अब क्या होगा जो बाहर से लोग आएंगे, अनजान जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे किस प्रकार की अपील रहेगी पुलिस की तरफ से, ताकि जो बाहर के लोग आएँ, जो अनजान लोग हैं जिनको कभी देखा नहीं है, तो किस प्रकार से पुलिस की मदद करें उनको सूचित करने के लिए? हाँ, ये लोगों से मेरी अपील है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति हमको दिख रहा है, साथ ही साथ कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, तो हमको तुरंत सूचित करें। डायल 100 है, हमारे यहाँ पे जो गांधीनगर थाना है, हाथौद थाना है, वहाँ पर TI जो थाने का नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, सभी के नंबर इजीली डिस्प्ले कर रखें, तो
तो तुरंत हमको सूचित करें और डायल 100 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सभी को 100 नंबर याद रहता है, तुरंत हमको इन्फॉर्म करें, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तुरंत इन्फॉर्म करें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर पाएँ। पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी पुख्ता यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जो हमारे साथ में CSP मैम थी सौम्या जैन, उन्होंने ये बताया है कि जो पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी गश्त यहाँ पे की है और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो जितनी भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट है वो लगातार जारी रहेगी, ताकि भले दिन हो या रात हो, ताकि लोगों को किसी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो। इंदौर से MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।